हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वन सेकंड, मैं एक नया वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक नया माइक्रोस्कोप का। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का माइक्रोस्कोप मिलता है, जैसे आपका मैकेनिक हो गया, डिलाइफ हो गया, ठीक है, ऐसे याक्सून का हो गया, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। वैसे आज मैं एक नया ब्रांड लेके आपके लिए लेके आया हूँ, जो है आपका जीटू मार्क का। ये जीटू मार्क जो है, ये अपना खुद का माइक्रोस्कोप है जीटू मार्क का। वो लोग खुद का अपना ब्रांड का बनाते हैं और इसमें तीन चार मॉडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने तीन चार मॉडल को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मुझे ये जो बजट में जिस बजट में ये माइक्रोस्कोप है, उस बजट में मेरे को ये मॉडल बहुत पसंद आया। इसका मॉडल है RE160 RE106 प्लस। तो ये मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है। और उसके ऊपर एक अपडेट मॉडल आता है, जो आता है आपका बूम स्टैंड के साथ, उसका मॉडल है RE108 प्लस। उसके नीचे एक मॉडल, तो वो मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने 106 प्लस को ज़्यादा प्रेफर किया। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका प्राइस क्या है, इसका व्यू कैसा है, ये सब हमको आपको मेरे वीडियो में बने रहिए। आस्ते आस्ते में इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और इसका व्यू, इसमें क्या क्या मिलता है, इसका प्राइस कितना पड़ेगा, आपको खरीदारी कितना पड़ेगा, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। तो इसी तरह मेरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और मेरा वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारे इस माइक्रोस्कोप को और देखते हैं इसके साथ हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग जो माइक्रोस्कोप का जो बॉक्स है, हमने ओपन कर लिया दोस्तों। तो इसके साथ ये जो पूरा सेटअप होता है, ये पूरा सेटअप लाइट इसके अंदर नहीं होता है। जैसे ये आपका माइक्रोस्कोप का मेन बेस होता है, ये आपका मेन बेस होता है जिसके ऊपर ये माइक्रोस्कोप बॉडी होता है। देख रहे हैं ये कलर भी बहुत अच्छा है आपका, गोल्ड ग्रे है इसका कलर, जो है गोल्ड ग्रे है, बहुत ही अच्छा कलर है। मतलब क्या बताऊँ, कलर कॉम्बिनेशन गोल्ड ग्रे का और ब्लैक का कितना अच्छा लगता है, मैं सेटअप करने के बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके साथ ये WF 10x20 का लेंस आता है, देखिए इसके साथ दो, ठीक है, जो हमारा ये आई पीस में लगता है। उसके साथ हमारा एक CTV लेंस आता है, 0.05x का CTV लेंस आता है, ठीक है। उसके साथ हमारा एक स्क्रूड्राइवर आता है, इसको सब कुछ को फिटिंग्स करने के लिए स्क्रू, मतलब कुछ फिटिंग्स करने के लिए कुछ स्क्रू को अनलॉक करना पड़ता है, तो उसके लिए स्क्रूड्राइवर भी देते हैं। हेलो दोस्तों, हमने माइक्रोस्कोप को कर लिया है असेंबल। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में माइक्रोस्कोप का पूरा डिटेल्स और माइक्रोस्कोप का हर एक पार्ट्स का जो काम होता है, कौन सा पार्ट इसके साथ मिलता है, कौन सा पार्ट्स आपको अलग खरीदना पड़ता है, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों जैसे ऐसे होते हैं जिनके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो पहली बार माइक्रोस्कोप खरीद रहे हैं, तो खरीदने के बाद उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे वो लोग बोलते हैं मुझे, भैया ये लेंस नहीं मिला, वो लेंस नहीं मिला, उनको पता रहता है कि भाई लेंस जो है माइक्रोस्कोप के साथ आता है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलता है। तो कौन सा चीज़ माइक्रोस्कोप के साथ आता है और कौन सा चीज़ आपको अलग से खरीदना पड़ता है, ये वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा।
तो देख रहे हैं ये जो है हमारा जीटू मार्क का माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर जीटू मार्क का ब्रांडिंग किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से ब्रांडिंग किया है। ये कलर जो है आपका गोल्ड ग्रे है, गोल्ड ग्रे मतलब बहुत ही अच्छा कलर है, उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ये कलर आपका मैला भी नहीं होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा कलर है। उसके साथ आपका ये मेन उसका बेस है जिसमें जीटू मार्क का ब्रांडिंग किया है, और उसके बाद यहाँ पर मॉडल नंबर भी दिया गया हुआ है RE106+ माइक्रोस्कोप। तो इसका व्यू सब कुछ मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा, जिसके साथ इस माइक्रोस्कोप के साथ आपको देखिए यहाँ पर WF 10x20 का आपका जो लेंस है, जो हर माइक्रोस्कोप के साथ आता है, जो मतलब आई साइड में जो लेंस होता है, आई साइड का लेंस आपका WF 10x20 का मिल जाता है, दोनों ही WF 10x20 का है। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग से जूम नॉब मिलता है, जिससे आप लोग जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, जो होता है आपका 0.7 से आपका है यहाँ पर 4.5 तक। देखिए थोड़ा लाइए यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर जूम कैपेसिटी जो है, ये देखिए सबसे लोएस्ट है 0.7 से आपका जूम कैपेसिटी है 4.5 तक। दिख रहा है क्या आपको, या 4.5 तक इसका जूम कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रोस्कोप का मतलब बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये इसका स्टैंड है, यहाँ पर इसका नॉब दिया गया है, इसको ऊपर नीचे माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे करने के लिए। ये नॉब को दोनों तरफ से पकड़ कर हम लोग ऐसे घुमाएंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये आपको टाइट और लूज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ऐसा होता है ये माइक्रोस्कोप बहुत लूज रहता है और ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है, तो उन लोगों को पता नहीं होता। तो ये दोनों तरफ इसको पकड़ के ऐसे टाइट करेंगे तो ये हिस्सा आपका टाइट हो जाएगा और आपका माइक्रोस्कोप ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और पीछे एक हमारा ये दिया गया हुआ है, इसको माइक्रोस्कोप का हाइट एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोप के साथ हम लोगों को क्या क्या मिलता है मैं क्लियर कर लेता हूँ आपको। जैसे पहले तो हम लोगों को ये बेस मोल्ड मिल जाता है, ये बेस होता है माइक्रोस्कोप का, ये मिलता है हम लोगों को, ये डिफॉल्ट बेस मोल्ड होता है। तो आप दूसरा बेस भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के साथ यही डिफॉल्ट बेस आता है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई बेस ले, बहुत सारे मेटल का भी बेस आता है जो आपका बहुत कॉस्टली होता है, 3,500, 4,000, 2,000, 1,500 में भी बेस आता है। तो अगर आप चाहेंगे तो वो बेस भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को इसके साथ मिलता है माइक्रोस्कोप का बॉडी स्टैंड के बाद ये बॉडी मिलता है, बॉडी के साथ ये दो लेंस मिलता है, ये आई साइट का जो लेंस होता है, देखिए ये जो लेंस होता है ये 10x20 का WF 10x20 का दो लेंस मिलता है। उसके साथ हम लोगों को दो आई गार्ड मिलता है, रावर का दो आई गार्ड मिलता है। ये दो तरह का आता है, एक आता है आपका कर्व वाला ओवल वाला और एक आता है आपका राउंड वाला। तो मैंने राउंड वाला लिया है, अगर आपको ओवल वाले में काम करने में आसानी हो तो ओवल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इससे हम लोग हमारे आई का जो डिस्टेंस है इसको मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये जो है हमारा आई का जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके साथ हम लोगों को मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, जिससे हम ये इसमें जो नट्स है उसको लूज और टाइट कर सकते हैं, और फिटिंग्स करने के टाइम पे ये स्क्रू ड्राइवर हम लोगों को यूज में लगता है, ये बहुत अच्छा। तो उसके साथ हम लोगों को ये जो है एक लेंस मिलता है जो आपका CTV लेंस होता है। ये CTV लेंस 0.3x, 0.4x एंड 0.5x एंड 0.7x का होता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, इसका मतलब ये पॉइंट के हिसाब से इसका काम भी अलग अलग होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा इसका अलग अलग क्या काम होता है। ये लेंस जो है ये लेंस क्या काम में आता है, ये लेंस हम लोग जब कैमरा इसमें इंस्टॉल करते हैं तो ये लेंस हमारा यहाँ पर लगता है। देखिए यहाँ पर हमारा कैमरा का स्लॉट बना हुआ है, तो ये लेंस जो है हमारे यहाँ पर लग जाता है। तो इसका दोनों कैप हटा के इसको यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए ये लेंस काम आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको बंद कर देते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप के साथ यही कुछ चीज आपको मिलता है, और उसके साथ आप लोगों को मिलता है लाइट, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है लाइट। देखिए माइक्रोस्कोप के साथ ये लाइट जो है, माइक्रोस्कोप के साथ दो टाइप का लाइट आता है। ये है एक टाइप का लाइट आता है जिसके चारों तरफ ऐसा मतलब ये थोड़ा मोटा होता है, और आप दूसरे एक मॉडल का लाइट होता है वो भी आप ले सकते हैं अगर चाहे तो। इसमें आपका चॉइस है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, या तो फिर ये ले सकते हैं। देखिए ये लाइट थोड़ा पतला है, तो इसमें यहाँ पर लगने से क्या होता है, जगह कम लगता है और इसका ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो होता है इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपको यही लाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट में आपको दिखेगा कि नहीं,
कैमरा में, कैमरा का जो व्यू होता है वो आपको एलसीडी में कम दिखेगा। तो अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो तो आपको यही एलईडी लेना पड़ेगा। तो मैं आपको उसके साथ ये एक लाइट मिलता है, आप दोनों में कोई भी एक लाइट जो है मंगवा सकते हैं, जो आपका चॉइस में अच्छा लगे वो लाइट आप मंगवा सकते हैं। दोनों का क्या क्या अलग अलग काम होता है मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए लाइट को रखते हैं अभी साइड में। उसके साथ आता है एक एडाप्टर, देखिए ये लाइट के साथ ये एडाप्टर आता है। लेकिन इसके साथ जो है ये, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये हमारा मोबाइल का चार्जर से चलता है, ठीक है। तो इसके साथ एडाप्टर नहीं आता है, इसके साथ सिर्फ ये सेट आता है, ये कंट्रोलर आता है एक, ठीक है, और ये आपका यूएसबी आता है, ठीक है। तो आपको एडाप्टर अलग से लगाना, परचेस करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ आपको एडाप्टर पूरा कंप्लीट आता है, देखिए ये आपका जो एडाप्टर है ये कंप्लीट आता है। इसमें एक आपका सुविधा भी है, ये एडाप्टर जो है आपका कंप्लीट आता है, ठीक है। ये इधर लग जाएगा और ये इसका केबल है, ये आपका प्लग में लग जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग एडाप्टर हम लोगों को नहीं लेना पड़ता है। तो देखिए इसका, मुझे इस माइक्रोस्कोप में कौन सा चीज़ अच्छा लगा, पहले तो इसका व्यू जो है मैं आपको दिखाऊंगा, इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, इसका मतलब कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं ऑलरेडी जो है हमारा मैकेनिक का माइक्रोस्कोप ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसके जो आपका येलो के साथ ब्लू के कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो येलो कलर है ये थोड़ा मैला होता है धूल के कारण, लेकिन इसमें जो कलर है इसमें मैला होने वाला कुछ कलर नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कलर है, आप ले सकते हैं। और इसका व्यू तो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों माइक्रोस्कोप के साथ हम लोगों को मिलता है एक डस्ट प्रूफ कवर मिलता है, ठीक है, जो जिससे आपको माइक्रोस्कोप को जो है डस्ट से बचा सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोगों को एक सीटीवी लेंस मिल जाता है कैमरा इंस्टॉल करने के लिए, एक ये माइक्रोस्कोप के साथ आता है। हाँ, तो आप अगर माइक्रोस्कोप ले रहे हैं तो देख ले उसके साथ ये सीटीवी लेंस दे रहा है कि नहीं, क्योंकि इस सीटीवी लेंस का प्राइस बहुत महंगा होता है ये मार्केट में, अगर आप अलग से खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये कैमरा के या माइक्रोस्कोप के साथ इनबिल्ड आता है, ठीक है। तो और ये जी2 मार्ट में हम लोगों को एक स्क्रू ड्राइवर एक्स्ट्रा से दिया है, जो आपका मैकेनिक और दूसरे ब्रांड के माइक्रोस्कोप में नहीं होता है। स्क्रू ड्राइवर इंस्टॉलेशन फीचर को करने के लिए ये हम लोगों को सुविधा के लिए ये दिया गया हुआ है। और हम लोगों को आई को प्रोटेक्ट करने के लिए दो रबर रहता है और हमारा आई साइड का दो लेंस रहता है। ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोप का टोटल पैकेज। इसको छोड़कर माइक्रोस्कोप के साथ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है। तो इसके बाद अगर आप जैसे इसका मैट लेना चाहेंगे, तो मैंने आपको बोला मैट बहुत तरीके का आता है, जैसे नॉर्मल भी आता है, बहुत बड़ा भी आता है, मेटल का भी आता है, आप अपने बजट के हिसाब से मैट जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लेंस। अगर आप चाहते हैं माइक्रोस्कोप का हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ये जो है यहाँ का हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल लेंस यूज करना पड़ता है, जो आपका 0.07x से होता है। देखिए यहाँ पर है, ये भी जी2 मार्क का ही प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत कम में इनके पास मिल जाएगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये आता है 0.07x से 0.05x, ये भी जी2 मार्क का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। 0.07x से 0.05x का आता है। तो ये दोनों लेंस में क्या होता है, ये इसमें आप क्या है, ये जो गैप होता है माइक्रोस्कोप का, ये गैप को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप ऊपर उठ जाएगा तो इसके अंदर आपको SMD यूज करने में आसानी होगी, अगर आप 0.5x यूज कर रहे हैं तो। और अगर 7x यूज कर रहे हैं तो ऊपर से आपको बहुत बढ़िया जूम देता है। 7x में होता है बहुत बढ़िया जूम मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और उसके साथ क्या, आप ये जो प्रोटेक्टिव लेंस होता है, ये देखिए ये जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव लेंस होता है, इसको भी आपको अलग से खरीदना पड़ता है, ठीक है, ये आपके इसके साथ नहीं आता है, ठीक है। तो इसको भी अलग से आपको खरीदना पड़ता है, जो डायरेक्ट यहाँ भी इंस्टॉल हो जाएगा, या तो फिर अगर आप एक्सटर्नल लेंस यूज़ कर रहे हैं तो लेंस के सामने भी ये आपका ऐसे इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ जो है आपको अलग से खरीदना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए मेरे पास एक 0.4x का भी लेंस है, ये सीटीवी लेंस है 0.4x का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था 0.3, 4, 5 और 7 होता है, तो मेरे पास ये 0.4x का भी एक है, ये मैंने अलग से ख़रीदा है, ठीक है, ये मैंने मार्केट से अलग से ख़रीदा है 0.4x का, ठीक है। तो और उसके साथ आप लोगों को अलग से ख़रीदना पड़ता है, अगर आप कैमरा का फीचर्स चाहते हैं तो ये कैमरा आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। जैसे देखिए ये मेरे पास कैमरा है, ये देखिए ये आपका जी2 मार्क का कैमरा है, ठीक है, देखते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर जी2 मार्क का ब्रांडिंग है, सॉरी। तो ये भी आपका जी2 मार्क का कैमरा होता है, हाँ, ये भी आता है आपका 38 मेगापिक्सल का। अगर आप कैमरा का ऑप्शन चाहेंगे तो ये कैमरा आप ले सकते हैं, जो आपको इसके साथ यूज़ करना पड़ता है, ये कैमरे के सामने आपका ये ऐसे लग जाता है और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप के यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है कैमरा स्लॉट में, उससे आपका क्या होता है कैमरा फीचर्स भी आपके माइक्रोस्कोप में आ जाता है।
तो दोस्तों मैंने आपको जो है माइक्रोस्कोप का सब कुछ बता दिया, आपको दिखाने की बारी है माइक्रोस्कोप का जो व्यू है कैसा है। दोस्तों देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे हमने लाइट भी लगा लिया, हमने बड़ी वाली लाइट लगाई है ज्यादा ब्राइटनेस के लिए। तो हमने नीचे एक बोर्ड भी रखा है, तो चलिए इसका व्यू देख लेते हैं कैसा व्यू मिलता है हम लोगों को यहाँ से। तो चलिए व्यू देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत हिल रहा है इसलिए देखिए हम एडजस्ट करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए व्यू देखिए कितना क्लियर है, देख रहे हैं व्यू कितना क्लियर है इतना। देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए इसको, हाँ कनेक्टर को दिखाइए थोड़ा सा, हाँ देखिए कितना क्लियर व्यू है सर, आप देखिए थोड़ा इधर लाइए, हाँ अभी इसको फोकस कीजिए थोड़ा, कनेक्टर पे रखिए इसको फोकस कीजिए, हाँ अभी जूम कीजिए थोड़ा, जूम करके इसको फोकस कीजिए, इस पे नहीं, हाँ इसको इसको नहीं कर, हम माइक्रोस्कोप को जूम करेंगे, इस पे थोड़ा जूम कीजिए, इस पे थोड़ा जूम कीजिए, हाँ ऊपर 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 हाँ हो गया। देखिए ये क्वालिटी देखिए माइक्रोस्कोप का, ठीक है माइक्रोस्कोप का व्यू देखिए कितना अच्छा है। कनेक्टर हटा देता, ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये व्यू देखिए इतना अच्छा क्वालिटी का व्यू है, क्या बताऊँ आपको। ये कैमरा में आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। अभी मेरे पास LCD नहीं है तो मैं आपको कैमरा में दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो बाद में मैं इसका कैमरा के इंस्टॉल करके कैमरा का भी व्यू आपको दिखाऊंगा। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू आपको शायद ही कोई माइक्रोस्कोप में मिल सकेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये माइक्रोस्कोप बहुत ही अच्छा है जिसका कलर आप देख रहे हैं, हाँ इसमें लाइट भी देखिए बहुत अच्छा, इसका ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो माइक्रोस्कोप दिखाया वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से आप ये खरीद सकते हैं, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नॉट आउट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो माइक्रोस्कोप नॉट आउट बहुत अच्छा है, इसका कलर व्यू ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा है इतना। तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो स्क्रीन में भी मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनसे कॉल करके या व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उनसे व्हाट्सअप करके इनका उनका आपका कोई भी आपका डिटेल्स मंगवाना चाहते हैं प्रोडक्ट का, तो उनको आप व्हाट्सअप कीजिए, वो आपको प्रोडक्ट का डिटेल्स भेज देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो नेक्स्ट मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट में और एक माइक्रोस्कोप का वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, जो होता है इससे भी चिप प्राइस का, ठीक है इससे भी कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप मैं आपको रिव्यू अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, और उसका व्यू माइक्रोस्कोप के साथ क्या मिलता है उसका डिटेल सब कुछ दिखाऊंगा। तो वो भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल में नए नए वीडियो देखने के लिए। तो ओके चलिए टाटा बाय बाय।